Like a hell cut. सो हेलो गाइज, मेरा नाम है देव शर्मा, आप देख रहे हैं SCV सुपर कूल व्लॉग्स। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। सो गाइज यार, आप लोग जो वीडियो का टाइटल और थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि आज हम कहाँ जाने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है 15 अगस्त पास आ रही है, तो मैं इस बार कोई जो है लाल कुआं मार्केट वगैरह नहीं जाने वाला। मेरे घर के पास ही जो है कई साल पुरानी महमूद अंकल की दुकान है, मैं वहां पे जाऊंगा। वहां पे आपको सारा उनके पास जितनी भी वैरायटी है सब दिखाऊंगा। और गाइस, जो भी मेरे चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहा है, तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को जाके अभी, और बेल आइकन दबा दीजिएगा वीडियोस के इंस्टेंट अपडेट्स के लिए। और यहाँ पे मेरी इंस्टाग्राम की आईडी शो हो रही होगी, डिस्क्रिप्शन में भी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मिल जाएगा, तो उस पर भी जाके अपने भाई को फॉलो मारो। तो चलिए चलते हैं बिना टाइम वेस्ट करे, आपसे मिलते हैं सीधा शॉप पे। सून आफ्टर। सो गाइस, आप देख सकते हो मैं दुकान में आ चुका हूँ, और ये महमूद अंकल है यहाँ के ओनर। अंकल मैं कितने छोटे पन से आ रहा हूँ आपके पास। बहुत, मैं बहुत छोटा सा था तब से मैं यहाँ पे आ रहा हूँ। बहुत छोटे थे जब से हमारी दुकान पे आ रहे हैं, और इसी रोड पे हमारी दुकान लगती है। और कितने साल पुरानी दुकान है? बहुत अपनी? कम से कम 20-25 साल हो गए होंगे। 25 साल हो गए गाइस इस दुकान को खुले हुए, आप देख सकते हो, और अब तक बढ़िया चल रही है। तो अब आपको जो है आगे वेराइटी दिखाते हैं पतंग की इनके पास। तो चलिए चलते हैं। स्टार्टिंग रेंज है कागज की, क्या रेट अभी है? 5 रूपए की है, 400 रूपए 100 है। अच्छा, 400 रूपए की 100 है, 5 रूपए की है। इसके बाद कौन सी आती है? इसके बाद भी आएगी बरेली की मंजोली आएगी। बरेली की मंजोली आएगी, ये होटल। अच्छा, ये कितने की है? ये 6 रूपए की एक है। अच्छा, हाँ जी। इसके बाद क्या? ये भी 6 रूपए की एक है। अच्छा, हाँ। इसमें कलरफुल बहुत सारे डिजाइन है। तो गाइस आप देख सकते हो डिजाइन बिल्कुल अलग है, पैटर्न बिल्कुल चेंज है, देख सकते हो सब नया डिजाइन है। और ये देखो नया है, लग्गू बोलते हैं इसको, छप्पा, ये भी 600 रूपए 100 है। अच्छा, इसको लग्गू बोलते हैं। हाँ, डिजाइन है। ये कितने की है? 600 रूपए 100। 600 रूपए 100। और ये अड्डे हैं बरेली के, ये अड्डे हैं गाइस, आप देख सकते हो प्रॉपर कितने के हैं ये। और ये अड्डे साथ में अच्छी क्वालिटी के, सिक्यू तिल लेके बढ़िया का रखता है। जल्दी ये देखो कौन है, ये क्या, इसका क्या प्राइस बताया? अड्डे का, अड्डे का 8 रूपए का एक है, 700 रूपए सैकड़ा है। अच्छा, 700 रूपए सैकड़ा। हाँ, ये कौन है? ये कौन है देख सकते हो, ये कितने का? ये 1000 रूपए 100 है। अच्छा, 1000 का 100 है इसका। गाइस आप देख सकते हो साइज भी थोड़ा बड़ा है, हाथ देख सकते हो मेरा, आपको अच्छी बताएंगे, साफ सुथरी बताएंगे। सो गाइस आप देख सकते हो पन्नी में इनके पास ये स्टार्टिंग रेंज आ जाती है। कितने की है वाली? ये 2 रूपए की एक है, 100 रूपए का सैकड़ा है। 2 रूपए की एक है, 100 रूपए का सैकड़ा है। इसके बाद कौन सी आती है? ये प्रिंटेड आएगी, प्रिंटेड आएगी। ये आप देख सकते हो छोटे बच्चों के हिसाब की है, छोटे भी। अच्छा, कई कार्टून बहुत सारे कार्टून मिले, डोरेमोन वगैरह सब, डोरेमोन वगैरह। ये इसका क्या प्राइस होगा? इसका 5 रूपए का एक है, 400 रूपए का सैकड़ा। 400 रूपए का सैकड़ा पड़ेगा गाइस ये वाला भी आपको। और ये वाला क्या पड़ जाएगा रेट? ये 7 रूपए की एक है। अच्छा, इसका क्या नाम है डिजाइन? 600 रूपए का सैकड़ा, ये प्रिंटेड होती है, ये मेटल पे कलम होती है, मेटल। और इसका क्या प्राइस रहेगा ये वाली का? इसका 700 रूपए का सैकड़ा है, 700 रूपए का एक है। गाइस आप देख सकते हो डिजाइन कितना प्यारा लग रहा है, प्रॉपर यहाँ से कटिंग हो रखी है, बढ़िया है। सिल्वर ये रही, ये भी 6 रूपए की है, ये 6 रूपए की रहने वाली है। 550 रूपए का आंकड़ा, 500 रूपए का, हाँ जी, 500 रूपए का आंकड़ा मिल जाएगा।
ये 8 रुपए की पड़ने वाली गाइस आपको देख सकते हो आप झालर में प्रॉपर ये झालर है यहाँ पे ये वैसे 700 की अच्छा 700 रुपए का सेल आपको जो है यहाँ पे काफी वैरायटी मिल जाएगी। पैटर्न बिल्कुल अलग है आप देख सकते हो सारे डिजाइन अलग है कोई भी एक जैसा डिजाइन नहीं है यहाँ पे। तो गाइस ये आप देख सकते हो पन्नी की मेरे पास एक और आ जाइए गोल्डन कलर की इसका क्या प्राइस बनने वाला भैया ये 10 रुपए की एक मिलने वाली है आपको और होलसेल में कितने की मिल जाएगी 700 रुपए में आंकड़ा मिलेगा आपको होलसेल में आप देख सकते हो ये गोल्डन कलर में कितनी प्यारी लग रही है 100 पतंग आंकड़ा 100 पतंग मैंने पहले भी बताया था आपको आंकड़े का मतलब होगा 100 पतंग गाइस आप ये देख सकते हो एक इंच ये पूंछ वाली आ जाएगी ये बहुत जो है क्रेज रहता है इस वाली पतंग वाली साफ बोलती है मिलने वाली है 35 रुपए की ये 35 रुपए की एक मिलने वाली है आपको देख सकते हो आप और ये आंकड़ा कितने का मिलेगा मिलेगा 2200 रुपए का 2200 रुपए का आपको ये 100 पीस मिल जाएंगे मतलब आंकड़ा मिल जाएगा। अभी देखो इसकी ये सख्ती वाली है सांप में गाय ये आप देख सकते हो ये जो है ये भी सांप नहीं है प्रॉपर इसकी पूंछ है लंबी वाली तो ये कितने की रहने रुपए की एक है ये 15 रुपए का आपको एक पीस मिलने वाला है वैसे होलसेल में 1000 100 पीस 1000 में मिल जाएंगे आपका डिजाइन बहुत डिजाइन में भी बहुत काफी सारे इसमें आपको ऑप्शन मिल जाएंगे बहुत सारे डिजाइन देख सकते हो गाइस आप काफी ऑप्शन मिल जाएंगे आपको डिजाइन का। सो गाइस मैंने एक इनके पास बड़ी अलग तरीके की पतंग देखी है पहली बार देखी मैंने ऐसी पतंग ये भैया इसका क्या रहने वाला प्राइस 50 रुपए ये 50 रुपए की रहने वाली है और वैसे थोक में कितने की मिलेगी 30 रुपए की 3000 रुपए की 100 मिल जाएगी आपको आंकड़ा मिल जाएगा देख सकते हो आप कितने मतलब अलग तरीके का कॉन्सेप्ट है ये इसमें कम रेट वाली थी वो भी मिलेगी आपको अच्छा कम रेट में भी मिल जाएगा दूसरा ये इसको क्या बोलते हैं भैया ये कागज में आपके पास ये नजर बट्टू बोलते हैं इसे नजर बट्टू आ जाइए ये कितने की पंजाबी पतंग है ये कितने की पड़ने वाली 6 रुपए की एक है 6 रुपए की एक मिल जाएगी आपको वैसे होलसेल में 500 रुपए की 100 पड़ेगी 500 रुपए का आंकड़ा पड़ जाएगा 100 ये उसी में ही कलर है कि ये कितने की मिल जाएगी वही रेट है ये भी वही सेम रेट है ये गाइस अब पन्नी में तिरंगा आ गया छोटा ये कितने का है ये 7 रुपए का एक है ये 7 रुपए का एक पड़ने वाला है और वैसे होलसेल 500 रुपए का 100 है 500 रुपए के 100 पीस मिल जाएंगे आपको देख सकते हो आप तिरंगा ये जो कागज है तिरंगा ये कागज में तिरंगा आ गया देख सकते हो आप ये कितने का पड़ने वाला है ये 10 रुपए का एक है ये 10 रुपए का एक मिल जाएगा आपको और वैसे 750 रुपए का 750 रुपए के 100 पीस मिल जाएंगे आपको देख सकते हो ये मीडियम साइज तिरंगा है पौने का साइज है ये तिरंगा अच्छा पौने का साइज हाँ मतलब मीडियम से थोड़ा बड़ा मिल जाएगा आपको यहाँ पे। सो गाइस अब चकड़ियों पे आ जाते हैं खाली चकड़ी भी है ये कितने से स्टार्ट हो जाती है आपसे ये 10 रुपए से स्टार्ट हो जाती है आप देख सकते हो दर्जन का रेट 75 है और ये वाली कितने से स्टार्ट है 30 रुपए की रिटेल में 30 रुपए की रिटेल में वैसे होलसेल 22 रुपए 30 रुपए होलसेल में आपको मिल जाएगी इसमें कितने आ जाएगा कलर है अच्छा कलर मिल जाएगा 12 होंगे अच्छा और ये कितने की है 20 रुपए की रिटेल में ये 20 रुपए की रिटेल में आप देख सकते हो क्वालिटी वाइज हैंडल वगैरह इसके प्रॉपर स्टील के दे रखते हैं ये कितने की 130-140 रुपए दर्जन है 130-140 रुपए दर्जन है वैसे 20 रुपए का एक पीस मिल जाएगा रिटेल में आपको। इसके बाद गाइस ये वाली आ जाएगी ₹40 रिटेल है ये आपने देखी होगी काफी कॉमन है ये सब जगह मिलती है ये कितने की है ये 40 रुपए की 40 रुपए की रिटेल में वैसे 25-25 अच्छा 24-25 रिटेल में मिल जाएगी आपको अगर आप 50 रुपए ये 50 रुपए की मिलने वाली गाइस आपको और वैसे होलसेल में 30 रुपए की 30 रुपए की आपको होलसेल में पड़ेगी ये आपको गाइस शीशम की लकड़ी भी मिलने वाली है यहाँ पे देख सकते हो आप प्रॉपर ये लकड़ी में है और ये कितने की है ये 150 रुपए की है अच्छा 150 रुपए की डिटेल में और वैसे थोक में 100 रुपए की थोक में 100 की पड़ा रही है। इसके बाद ये गाइस थोड़ी डिजाइनर में आ जाएगी आप देख सकते हो 80 रुपए की मिल जाएगी आपको ये 45 रुपए थोक का है 45 रुपए थोक का ये वाला कितने का है 12 रील का ये 2 ये 12 रील का गाइस आप देख सकते हो शीशम का चल रहा है शीशम का चकड़ा है ये और ये कितने का 200 रुपए का मिल जाएगा पतंगबाज यूज करते हैं प्रॉपर ये और इससे मेरे ख्याल डील भी बहुत बढ़िया जाएगी बिल्कुल स्मूथ जाएगी यहाँ से डील क्योंकि इसके आप कॉर्नर देख सकते हो प्रॉपर ऐसे मुड़े हुए हैं ये बांस डंडी है तो ये कितने की मिलने वाली है यहाँ पे 200 रुपए की और वैसे होलसेल में 150 रुपए की होलसेल में आपको ये 150 की मिलने वाली है।
एक्चुअली यहाँ पे शॉप पे आया था तो एक जो है इनके पास बच्चा आया था वो चाइना का माजा मांग रहा था, तो भैया ने साफ इनकार कर दिया, भैया ने बाहर जो है पोस्टर भी लगा रखा है। जुर्माना कितने का इसमें? 1,00,000 रुपए का जुर्माना है, 5 साल की कैद है। वो कृपया करके मेरे पास लेने वाले आई ना, आप आओ ही मत, मैं तो कहूँगा चाइना का माजा जो है आप लो ही मत, क्योंकि जो है नुकसान उससे जो है पंछी वगैरह भी घायल होते हैं और लोग भी मतलब गले वाले आपने देखा ही होगा काफी इंजर्ड हो जाते हैं। तो ये जो है स्टार्टिंग रेंज रहेगी भैया, ये कौन सा है? ये बरेली का मैदानी मांझा है, कॉटन का। बरेली का मैदानी मांझा है कॉटन वाला। तो ये क्या स्टार्टिंग रेंज रहेगी? 200 रूपए। 200 रूपए रेंज रहेगी इसकी, आप देख सकते हो। कितनी रील है ये? इसमें एक रील है। अच्छा, एक रील का होगा ये। कई जब ये दूसरी इनका ये वेरायटी आ जाएगी, ये कितने का? ये 2 रील का है। और ये कौन सा वाला है? मैदानी है पांडा। ये क्या रेट रहेगा इसका? 350 रहेगा। 350 रहने वाला गाइस, आप देख सकते हो। बढ़िया मांझा होगा, बढ़िया मांझा ठीक होगी। अच्छा अच्छा, लेंथ पूरी होगी। इसके बाद कौन सा आएगा? इसके बाद 3 रील आएगा गाइस। इसके बाद ये 3 रील का मांझा आ जाएगा, देख सकते हो काफी हैवी है उठाने में। कितने का ये वाला? ये 550 का। ये 550 का रहने वाला? हाँ जी, रिटेल का। थोक में लोगे तो कम का लगेगा। अच्छा, थोक में लोगे तो आपको कम का पड़ जाएगा, मतलब 1-2 ले लोगे आप तो सही लगा देंगे भैया। इसमें वैरायटी 350 रूपए तक की मेरे पास 3 रील की मांझा है। इसके बाद 6 रील आएगी भाई। इसके बाद ये 6 रील का आने वाला है चकड़ा। कितने का ये वाला? ये 700 रूपये का है। ये 700 रूपये का रहने वाला है। मैदानी है। हाँ जी, हाँ जी, मैदानी। और लेंथ भी पूरी होगी, लेंथ भी पूरी होगी और हैवी है काफी उठाने में। इसके बाद 12 आएगा। इसके बाद 12 रील आएगा। इसके बाद ये 12 रील आ जाएगी। 12 रील मैदानी के मैदानों में सरतों पे लगाते लोग। अच्छा अच्छा, ये जिससे आप देखते हो कॉम्पिटिशन वगैरह लगते हैं ना मैदानों में, ये वही वाला है। प्रॉपर खोल के दिखा सकते हो? असली बढ़तूत्री वो माझा बना हुआ है। अच्छा, जिसकी दौड़ होती है ना, ये वर्तमान गिरती है, वर्तमान धागे वाली गिरती माझा बना हुआ है। सो गाइस, आप ये देख सकते हो पास से मांझे की क्वालिटी आपको पता लग रही होगी प्रॉपर। ये कांच अलग ही चमक रहा है इसमें, धागे का ये प्रॉपर आप देख सकते हो, कॉटन के धागे का। तो आप देख सकते हो गाइस, इन पे ये सस्ता भी ऑप्शन है। ये कितने का दिया? ये 250 रूपये चल रही है। 250 रूपये की चढ़ खड़ी है। ये 3 रील है, ये थोक में ज्यादा है। अच्छा, ये थोक में ज्यादा है। और ये 6 रील की है। ये 6 रील की है। ये कितने की? 450 रूपये की। ये 450 रूपये की गाइस 6 रील की आपको मिलने वाली है। हाँ जी, हाँ। और ये कौन सा पांडा है? नहीं, मैदानी है, सिकंदर की डोर है। अच्छा, सिकंदर डोर है, मैदानी मान जाए। देख सकते हो। सो गाइस, आप देख सकते हो जैसे छोटे बच्चे होते हैं 4-5 साल के, वो कहीं पतंग उड़ा पाते हैं, तो उनके लिए भी आपको ये ऑप्शन मिल जाएगी। घुंघरू है, सीटी भी है। इसमें घुंघरू भी है, सीटी भी है। सीटी भी है, सीटी भी मिल जाएगी आपको। क्या प्राइस रहने वाला भी है? 10 रूपये या 15 रूपये। ये 10 रूपये की आपको मिल जाएगी। वैसे पूरा पैकेट लेना चाहे बंदा तो 50 रूपये का, 50 रूपये का, 60 रूपये का मिल जाएगा आपको। और ये भरा हुआ कितने का मिलेगा? भरा हुआ 15 रूपये का, 20 रूपये का। ये 15 रूपये 20 रूपये का मिल जाएगा। देख सकते हो कितना क्यूट लग रही है ये छोटी सी। देख सकते हो भरी छोटी पतंग। ये गाइस आप देख सकते हो, ये बच्चों के लिए छोटी पतंगे मिल जाएगी। वैसे जो है ये दुकानों में सजावट के तौर पे काम आती है, शोरूम में जाती है, शोरूम में जाती है ये सजाने के लिए। ये कितने के लिए? ये 20 रूपये का पैकेट है। 20 रूपये का पैकेट है। और वैसे इसके अंदर 20 पतंग है। अच्छा, 20 पतंग, 20 पीस होने वाले हैं इसमें। 20 रूपये का मिल जाएगा। 10 रूपये की 10 पतंग। अच्छा, 10 रूपये की 10 पतंग होगी इसमें। ये पन्नी वाली भी है, देख सकते हो। और इससे भी बड़ी आ जाएगी थोड़ी, बच्चों के लिए। ये कार्टून वाली आप देख सकते हो, पोकेमोन वगैरह पूरा मोटू पतलू और ये डोरेमोन वगैरह बना हुआ है। ये बेंटन भी बना हुआ है। ये कितने की रहने वाली है? 30 रूपये की। ये 30 रूपये की रहने वाली है। और ये पैकेट पूरा पैकेट का ही रेट बता, पैकेट का ही 30 रूपये है। 20 पतंग होगी इसमें। 30 पतंग मिल जाएगी। 20 पतंग मिल जाएगी, देख सकते हो। सो गाइस, अब सब्जी पे आ जाते हैं। ये सब्जी की स्टार्टिंग प्राइस है क्या? 5 रूपये स्टार्टिंग प्राइस रहने वाली सब्जी की, देख सकते हो। और ये क्या है गाइस? ये वर्धमान का लोकल है। अच्छा, लोकल है ये, वर्धमान का नहीं है, लोकल है। 20 रूपये का आपको ये मिलने वाला है। इसके बाद क्या रेंज रहने वाली है? 30 रूपये रंगीन सब्जी आएगी। ये रंगीन सब्जी आएगी गाइस, आप देख सकते हो। ये 30 रूपये की मिलने वाली है यहाँ पे। इसके बाद कौन सा आ जाएगा? 50 रूपये की आएगी हाई फ्लायर आएगी। 50 रूपये की अच्छी क्वालिटी की है, काफी मतलब आसानी से नहीं टूटती, देख सकते हो आप। इसके बाद भी आप कौन सी आ जाएगी? 60 रूपये ये कृष्णा आ जाएगी। 60 रूपये की, ये 60 रूपये की रहने वाली भाई, आप देख सकते हो। ये असली है वर्धमान, ये असली वर्धमान है। ये कितने की रहने वाली? ये 60 की। ये भी 60 की गाड़ी मिलने वाली है आपको यहाँ पे।
भाई इसके बाद ये कलरफुल आ जाएगी सब्जी, आप देख सकते हो पर्पल कलर की अच्छी लग रही है देखने में। ये कितने की रहने वाली है? 240। ये 240 रुपए की रहने वाली है। और ये वाली 180। ये 180 की रहने वाली भाई, ये 200 रुपए का बनाएगा। ये 200 रुपए का, अगर आपको कलरफुल नहीं लेनी व्हाइट लेनी है तो ये 200 रुपए का आपको मिल जाएगा। यहाँ पे ये बैलून का है, अच्छा ये बैलून कंपनी का है, आप देख सकते हो मल्टी कलर भी आएगा भाई। तो ये मल्टी कलर की आने वाली देख सकते हो आप, कितनी बढ़िया लग रही है मल्टी कलर की। ये 180 की, ये 180 की मिलने वाली भाई आपको, देख सकते हो आप कलरफुल है। तब हम गुड्डों पे आ जाते हैं, कागज के गुड्डे हैं यहाँ पे भैया के पास। ये भैया इसका क्या नाम है? कावे की छड़ी है, कावे की छड़ी है। ये कितने की मिल जाएगी? 15 रुपए की एक है। ये 15 रुपए की एक है, वैसे थोक में लोगों को 1100 रुपए की 100 आएगी, 1100 रुपए की 100 मिलने वाली है आपको। ये देख सकते हो कितनी बड़ी है, ये तावे आएंगे, ये तावे आएंगे देख सकते हो भाई कितना बड़ा है, ये देख सकते हो प्रॉपर। ये कितने का रहने वाला? 20 रुपए का एक है। ये 20 रुपए का एक है और काफी इसमें कलर वगैरह मिल जाएंगे, सारे कलर कलर देख सकते हो भाई आप यहाँ पे, अलग अलग पैटर्न है बिल्कुल। ये कितने का रहने वाला? 20 रुपए का एक है। वैसे थोक में कितने का मिल जाएगा? 1500 1500 तक का मिल जाएगा भैया। बाकी आपको थोड़ा डिस्काउंट दे देंगे, पहले आओगे तो, पहले आओगे 11 तारीख से पहले आओगे तो आप मेरा नाम लेके आओगे तो भैया आपको पक्का डिस्काउंट देने जाएगा। तो भाई जब पन्नी वाले गुड्डों पे आ जाते हैं, ये कितने का मिल जाएगा? ये 50 का है, 50 का ही। वैसे थोक में कितने का रहने वाला? थोक में 40 रुपए 35 रुपए पड़ेगा, 40 रुपए 35 रुपए पड़ जाएगा ये थोक में। ये भी वैरायटी आएगी एक गाइस, ये वाला तिरंगा आने वाला है देख सकते हो आप, कितना प्यारा लग रहा है ये प्रॉपर, यहाँ से कटिंग हो रखी है। ये कितने का पड़ने वाला भैया? ये भी उसी का है 50 रुपए का, ये भी 50। अरे दो तावा हो गए ना, ये सही दो तावा हो, सिंगल तावा था देख सकते हो गाइस कितना बड़ा है ये। आप अंदाजा लगा सकते हो, इसी के लिए 56 है, दो तावे का 56 है। तो गाइस इसके बाद ये आ जाएगी सिल्वर इनका, ये कितने की पड़ने वाली है? 12 रुपए की। ये 12 रुपए की पड़ने वाली है, 12 रुपए की एक, और वैसे थोक में 900 रुपए की 100। ये 900 रुपए की 100 पड़ जाएगी आपको, ये भी तो सिंगल तावे की है। अच्छा सिंगल तावे की। तो गाइस अब बैलून्स का आ जाते हैं। ये लालटेन आपने देखी होगी, जब 15 अगस्त की थोड़ी रात झुरमुगा होने वाला होता है, एंडिंग होती है, तब लोग इसे उड़ाना पसंद करते हैं बहुत ज्यादा, तो इसका बहुत ज्यादा क्रेज रहता है 15 अगस्त के टाइम में। तो ये क्या प्राइस रहने वाला भी है इसका? 20 गाइस, आप देख सकते हो केवल 20 रुपीज की आपको मिलने वाली। वैसे अगर थोक में लेता बंदा तो कितने की? 1500 में कितने पीस मिल जाएंगे? एक पीस नहीं मतलब 100 वैसे 100 मिल जाएंगे वैसे 1500 में अगर आप 15 रुपए का, और वैसे एक पीस अगर ले लो रिटेल में तो 20 रुपए का आपको ये पड़ने वाला, और इसमें अलग अलग कलर मिल जाएंगे, मल्टी कलर पिंक वगैरह मिल जाएगा आपको देख सकते हो, और भी कलर पिंक व्हाइट का फ्रेश माल है, और ये फ्रेश माल है बिल्कुल चिपकने वाला नहीं है देख सकते हो आप। साफ सुथरी कहीं नहीं मिलेगा आपको, कहीं दाग नहीं, बिल्कुल मतलब प्लेन है, बिल्कुल फ्रेश है, फ्रेश पीस है बिल्कुल। वैसे जो है कईयों के दाग होते हैं लेकिन बिल्कुल फ्रेश नहीं होगा। सो गाइज होप करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा वीडियो को, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं ऐसी किसी बढ़िया सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।